या बौद्धिक है या आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, वो सब मेरे अर्पण करके करें,
सत्य को प्रत असना में प्रत आत्मना है, यानी जो भी भक्त पत्र पुष्प फल और जल भक्ति भाव से मेरे अर्पण करता है, यानी शुद्ध बुद्धि से और निष्काम भाव से प्रेम से, तो मैं उसको अर्पण किए हुए को प्रेम सहित खाता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ। आपके मन में आता होगा कि भगवान को खाते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या भाव की बात हो रही है कि जो भक्त या संत भी रखी है शुद्ध बुद्धि से, जिस बुद्धि में शुद्ध विचार हो, अच्छे विचार हो, बुद्धि सात्विक हो, उसमें बुद्धि में को विचार ना हो, तामसिक ना हो, ऐसी बुद्धि से जो मेरे को किसे निष्काम भाव से और निष्काम प्रेम से, उस प्रेम में कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, तो उसको मैं ग्रहण करता हूँ, उसको मैं अपनाता हूँ। इसलिए भारत की संस्कृति को अगर समझना है तो उसमें तीन बातें हैं, अर्पण तर्पण और समर्पण। इस धरती पर ही भक्ति पैदा हुई है, देश के किसी अन्य कोने में नहीं, और यहाँ ऐसी भावना पैदा हुई है पदार्थ को भोजन नहीं, पदार्थ को प्रसाद माना है, तो पदार्थ को प्रसाद बनाने वाली हमारी भारत की संस्कृति है। आप किसी भी मंदिर में आश्रम में फल लेकर जाते हैं, केले लेकर जाते हैं, लेकिन वहां से जो आपको मिलता तो क्या कहते हैं, प्रसाद मिला। कोई ये नहीं कहता मुझे रोटी मिली, मुझे सब्जी मिली, मुझे पानी मिला, कुछ भी लेते हैं तो आप क्या कहते हैं, मुझे प्रसाद मिला। उस पदार्थ को प्रसाद बनाने वाली हमारी भारत की संस्कृति है। तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी ये वस्तुएं पदार्थ मेरे को अर्पण करता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ, असनाती उसको मैं खाता हूँ, यानी परमात्मा भाव देखते हैं। कैसे भाव देखते हैं, एक बच्चा माँ की गोद में जाना चाहे तो मंत्र तो नहीं पढ़ता, माँ की आरती तो नहीं उतारता, कोई विधि तो नहीं अपनाता, बस उसकी माँ है और बच्चा जाके माँ की गोद में बैठ जाता है। ऐसे ही जिस भाव में भक्त अपने को भूल जाता है तो परमात्मा उसको अपनी गोद में ले लेता है, और भगवान भी ऐसे भक्त की भावना से अपने को भूल जाते हैं। ये परस्पर ऐसा भाव है वो भक्त और भगवान का। दूसरी बात, अगर आस्था प्रचंड हो तो वहां व्यवस्था मान्य नहीं होती है कि इस विधि से ये पदार्थ बनाया जाए, ये भोग लगाया जाए, यही भोग में वस्तुएं हो, और इस विधि से मंत्र पढ़ेंगे तब भगवान को भोग लगेगा। लेकिन ऐसे प्रमाण दिए महापुरुषों ने कि आस्था प्रचंड है तो फिर वहां व्यवस्था मान्य नहीं है। किस तरह का है, सदगुरु ने प्रमाण दिए पत्र का भी, पुष्प का भी, फल का भी, और तोय माने जल का भी। कैसे प्रमाण दिए कि अगर कोई भाव से मेरे को पत्र चढ़ाता है तो मैं उसको भी खाता हूँ। छक गए साग पत्र किया भेंट, सब सहनपति सायब जग तम सेठ। क्या कहते सदगुरु कि पांडवों के पास दुर्वासा जी 88,000 ऋषिवरों को लेकर गए, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था पांडवों के पास। सदगुरु ने वाणी में लिखा कि कृष्ण भगवान का आह्वान किया, द्वारका से पहुंचे तो द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र था, सारा दिन व्रत रखती थी द्रौपदी, और जब सब ऋषि मुनि जंगल में पांडव भोजन कर लेते थे रात के समय, फिर भोजन करती थी, और उस समय तो भोजन भी कर चुकी थी, केवल एक उस टोकरी के पात्र के किनारे पर पत्र लगा हुआ था। और भगवान जब पहुंचे हैं तो स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए पांडवों के घर में कुछ नहीं है, और भगवान मुस्कुराए, दिव्य दृष्टि से देख लिया, कुछ तो कण होगा, कुछ तो पत्र होगा, और जब देखा तो उसके पात्र पर लगा हुआ था, और द्रौपदी ने हाथ से कृष्ण के कोमल हाथों में रख दिया और जैसे ही खाया, कहते हैं सब सहनपति सम है साहेब जगतम सेठ, इस जगत का सेठ परमात्मा का उदर भर गया तो सारी सृष्टि का उदर भर जाता है, क्योंकि ये सारी सृष्टि परमात्मा के गर्भ से निकली है, और उसका पेट भर जाए तो सबका भर जाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि धन अविनाशी पुरुष कृष्ण करता है सोई, एक साग पत्र रस पान सकल खुद्या सब खोई। धन्य है प्रभु तो, हे अविनाशी परमात्मा, जिसने एक साग
यानी भाव से किया हुआ परमात्मा अर्पण ग्रहण करते हैं। दूसरा पत्रम के बाद पुष्प, पुष्प माने फल, फूल। अगर कोई मुझे भाव से फूल भी चढ़ाता है, ये नाम ऐसा नहीं है कि भगवान किसी चीज के भूखे हैं। यानी ए इंसान ए जीव, तू भले ही जल है, जल से अभी तो पौधा भी नहीं बना है, अभी तेरे पर फूल भी नहीं आए, फल भी नहीं, जैसा है वैसा अपने को तू समर्पित कर दे, ये भाव कह रहे भगवान। नहीं तो भगवान को कुछ नहीं चढ़ाया जा सकता, किसी वस्तु से उसको रिझा नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ ही भगवान का है और एक ही चीज है जो भगवान ने हमारे को नहीं दी है, कौन सी? हमारा अहंकार। अगर वो झुक जाए, वो खत्म हो जाए और फिर भाव से पूजा की जाए तो परमात्मा साक्षात प्रकट होके उसको ग्रहण करते हैं। तो पुष्प कैसे ग्रहण करते हैं? देखो, दो भाई थे तपस्वी, और उन्होंने कितने हजारों वर्ष तपस्या की, उनमें भी झगड़ा हो गया कौन बड़ा है। भागे गए देवताओं के पास, उन्होंने मतंग ऋषि के पास भेज दिया, और मतंग ऋषि कितने शरीर से भारी थे। अब भूल गए कि संत के परिधि कोई अमर्यादित भाषा अमर्यादित शब्द नहीं होना चाहिए, और उन्होंने हंसी कर दी, अरे ये तो हाथी के हाथी है, ये तो ग्रह की ग्रह पड़े है। और संत तो अंतर्यामी थे, जब पास गए कहने लगे तुमने स्वयं ही निर्णय कर लिया, जिसके मन में कल्पना आई हाथी की वो हाथी बनेगा, जिसमें गरा की आई वो गरा बनेगा। तपस्वी से पशु योनियों में चले गए। लेकिन जब उनका इतने हजार वर्ष पिछला बैर था, झगड़ा हुआ, और सरोवर में गरा ने गज का पैर खींच लिया, कभी वो जोर अंदर लगाते हैं, कभी हाथी बाहर लगाते हैं, अथनी हाथी का सारा परिवार भी छोड़कर चला गया, और एक दिन बलहीन हो गया। जब डूबने लगा तो पता सरोवर में कमल का फूल खिला था, फिर पिछली साधना की समृद्धि आ गई, संत कृपा से और भगवान को पुकारा, अब मैं असहाय हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। वो फूल सुन में लेकर परमात्मा का आह्वान किया वहां पर, और परमात्मा गरुड़ पर चढ़कर गज की रक्षा करने के लिए वो पुष्प ही चढ़ाया था उस समय। तो बाबा जी लिखते हैं, ग्रीव आहा हो बंदे होते तोलत है बलहारे, गज और ग्रह पड़े बोसा गए दस सहस अधिकारे, श्वास कटो बलहीन प्रयोज दे खेच लिए मझधारे, अर्धना बरसना से टेरा सुमृत है रंकारे, जो पर सुन रहा जल भी उपरे शोभा पाते, तपस्या का अहम हो गया था। लेकिन पशु योनि में चले गए, फिर वो समृद्धि आई और केवल पुष्प चढ़ाया, परमात्मा उससे खुश हो गए। इतनी बड़ी तपस्या से खुश नहीं हो पाए थे क्योंकि उसमें अहंकार मिश्रित था। फिर सद्गुरु ने प्रमाण, भगवान ने प्रमाण दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फलम माने फल, यानी जितनी भी वनस्पतियों पर फल लगते हैं उन पर केवल जीव का ही अधिकार नहीं होता है, पहले भगवान को अर्पित किया जाए, यानी भोग लगाने की परंपरा। जब भी आप कुछ खाओ सबसे पहले उसका भोग लगाया करो और फिर उसको खाया करो, पदार्थ नहीं रहता वो प्रसाद बन जाता है, और उस प्रसाद में अलगता मात्रा और उसकी विशेषता नहीं देखी जाती है। प्रसाद कुछ भी है, ब्रह्मांड नायक भगवान राम मन में घूमते जा रहे हैं और शिवनी रोजाना इंतजार करती है, और बड़े पदार्थ नहीं है उनके पास, छप्पर भोग नहीं है, बैठने के लिए मकबली गद्दे नहीं है, झोपड़ी में रहती है, ऋषियों की कुटिया को छोड़कर। और भगवान ने भाव देखा बिलनी का, और निष्काम बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से और निष्काम प्रेम से भक्ति करती, बिलनी की कोई भी कामना नहीं थी, और भगवान सीधे गए वहां पर, और बिलनी ने खट्टी बेरी प्रभु को खिला दी, उससे ही खुश हो गए, भगवान के सामने ही देखा परित्याग करके, और बिलनी परमात्मा में मिल गई। तो बाबा जी लिखते हैं, ग्रीव अधम बिलनी पार उतर गई, जाके फल तुम खाए और गंभीर नीर सुन की ना नदी के कलंक बहाए। कहते हैं अधम बिलनी यानी नीचे कुल में थी, जिसको लोग हे समझते थे, अछूत
हृदय का भाव देते हैं। तो इसलिए भूलने के पैर अधिक महिमा से रुचि रुचि भोग लगाए, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाए। बाबा जी नाला सावरी में लिखते हैं कि दुर्योधन ने तो बहुत 56 प्रकार के भोग मनवाए थे, लेकिन भगवान छोड़ के अरविंद रानी के घर गए हैं और वो भी उल्टे पीटे पर बिठा कर भगवान को, और छिलका तो भगवान को दे रही है मुंह में और गिरी जो केले का गुद्दा वो फेंकती जा रही है और भगवान प्रेम से खा रहे हैं। वहां तो फल भी नहीं मिल रहा भगवान को, वहां तो छिलके ही मिल रहे हैं। भगवान ने कहा फलम, जो मेरे को फल देता है, लेकिन बिंद्राणी तो फल भी नहीं दे रही, छिलके ही दे रही है भगवान को और रो रही है। तो सद्गुरु ने ऐसे प्रमाण लिखे हैं। फिर सद्गुरु कहते हैं फलम तोयम, तोयम माने जल, यानी आपने देखा मंदिरों में कई जगह जल चढ़ाया जाता है, आपके घर में कोई मेहमान आता सबसे पहले जल पिलाया जाता है। देखिए हमारी संस्कृति ऐसी है, अतिथि को भी अतिथि देव हो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हो सकता हो परमात्मा अपने भक्त की परीक्षा के लिए अतिथि बन के आ जाए। आपके द्वार पर कोई आता है, दूध नहीं है देने के लिए, भोजन नहीं है, लेकिन आप बैठ पानी पी है ना, और उसको आप बैठ कर भी उसको पानी पिलाना और उसको आसन देना, ये तीन चीज बोल नहीं आनी। कौन कौन सी? आओ भी बैठो, उसको बिठा दिया जगह है घर में आसन, और उसको प्यार से बोलो दो मीठे शब्द और पानी पिला दो, ये तीन चीज किसी के घर में भी मोल नहीं आती है। हर कोई किसी के घर में जाए ना बैठने के लिए बोले ना पानी पिलाए और मुंह फेर ले ये कैसे आ गया, उल्टा सी थोड़ी सी कड़वी नजर से देखे, तो क्या उसके द्वार पर कोई जाएगा? भगवान भी कभी भी उसके द्वार पर अतिथि बनकर नहीं आ सकता। हाँ अगर भाव है तो सकता हो। ब्रह्मंड नायक सद्गुरु कबीर साहब के पीवर लग के चले गए थे, गडरिये का बेटा भेंट चला रहा है, जाकर रोटी मांग ली, शिव समन के जाकर भोजन मांग लिया। तो ऐसे भाव देखते हैं परमात्मा, और वो परमात्मा कभी न किसी संत के अंदर, किसी देवता के अंदर, किसी अवतार के अंदर प्रेरणा दे देता है अगर किसी भक्त का कल्याण करना हो। तो जल की भी महिमा है, कैसे? रंती देवा राजा द्रोण ने जल ही पिलाया था, परलोक में चले गए। संस्कृति के चंद्र वंश में संस्कृति के पुत्र थे रंती देवा जी, बड़े धर्मात्मा दयालु राजा, और जो कुछ भी उनके पास था वो उन दीन दुखियों को बांट देते थे। एक बार भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तो उनके पास कुछ नहीं था, 48 दिन तक सारा परिवार भूखा रहा, और 49वें दिन जब उनको कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिला और परिवार उनका पुत्र उनकी धर्मपत्नी पुत्र वधू चारों बैठकर खाने लगे, इतने में एक विपर आ गया, ब्राह्मण है, महाराज मैं भूखा हूँ, कुछ मिल जाए तो प्राण बच जाए, उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया, जो बचा वो खाने लग गए। इतने में कोई सूदन आ गया याचक, महाराज कुछ खाने के लिए मिल जाए, उनको दे दिया निकाल कर। फिर तीसरे तांडाल अपने कुत्तों को लेकर आ गया, अगे भोजन नहीं मिला तो मेरा स्वान भी और मैं भी प्राण पखेरु हो जाएंगे। रंती देवा ने सोचा मेरे द्वार पर कोई भूखा मर जाएगा तो मुझे दो चक में भी जगह नहीं मिलेगी, सारा का सारा भोजन जल ही बचा था उठाकर उसको दे दिया, और बिल्कुल भूखे प्यासे थे 49वें दिन भी, और उनकी दयालुता को देखकर किसने जल पी कर भी अपने प्राण नहीं बचाने चाहे, यात्र के बचाने चाहे, ब्रह्मा विष्णु शिव थे तीनों रंती देवा के सामने प्रकट हो गए। एक जगह रंती देवा का प्रसंग भी आएगा ग्रंथ साहब में, कौन से अंग में है, वहां पर रंती देवा जी का सदगुरु जी ने नाम लिखकर प्रसंग लिखा, जहाँ दयालुता का, जहाँ दानवीरता का, जहाँ कुछ देने का प्रसंग आता है, रंती देव का प्रसंग आता है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। तो भगवान कह रहे हैं करहि आहार साग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ऐ जीव तू साग फल फूल जो भी आहार खाए सबसे पहले उस सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण कर लेना, उसको अर्पित कर देना, तो उस भाव से परमात्मा खुश होते हैं। बाकी और किसी चीज के भगवान भूखे नहीं है, केवल भाव देखते हैं। और मैं एक प्रसंग आपको सुनाऊं, बाहर एक
अंग्रेज थे और हमारे देश में ज्यादातर बहुत सारे संत बाहर देशों में जाकर प्रचार करते हैं, क्योंकि भक्ति यहाँ पैदा हुई है। भारत के अलावा किसी देश के कोने में आप जाओगे तो भक्ति का इतना प्रसार नहीं था, पता ही नहीं था भक्ति के बारे में। भक्ति नाम समर्पण का, भाव का, प्रेम का, अपने को देने के का नाम है भक्ति। तो वो जब बाहर गए हमारे संत, तो उस अंग्रेज के अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम जागृत हुआ था, को अपना देश छोड़कर और यहाँ वृंदावन में आकर बस गए थे। वृंदावन में हाथ में माला ले ली और कीर्तन में बहुत नाचते थे। आज भी आप जाओगे वृंदावन में कितने अंग्रेज हैं जो चोटी रखते हैं, धोरी नाम संकीर्तन करते हैं। एक समय था जब भारत की कोई नारी दूसरे देशों में साड़ी बांध कर जाती थी तो पूरे कह के उसका मजाक बनाया जाता था कि ये इलिटरेट, ये अनपढ़ भारतीय है। और एक समय आज है जब वही अंग्रेज औरतें भारत में आकर साड़ी बांध कर नाचती हैं भगवान के सामने। और वही है आज बाहर जाकर देखोगे अगर कोई इंडियन लेडी साड़ी बांध कर जा रही है तो लोग हट जाते हैं, कोई डॉक्टर आ रही है, कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ी पद पर है। तो बाहर के देशों ने हमारी संस्कृति को, क्योंकि हर जो भी हमारे यहाँ भाव है उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान, एक रहस्य छिपा हुआ है। तो रोनाल्ड डिक्सन वृंदावन में आ गए और इतने प्रेम हो गया भगवान से, रोजाना भोग लगाकर भोजन करते, रोते रहते थे। और जो जिनके अंदर साकार भक्ति है, सगुण भक्ति है, वो भगवान को भोग लगाते हैं, रात को कपड़े बिछाते हैं, सुलाते हैं, फिर सुबह उठाते हैं। उनका एक भाव है, सखा भाव में वो भी नित्य हलवा बनाता था और भगवान को भोग लगा के पर्दा लगा देता और उसके बाद स्वयं खाता था। एक दिन पर्दा लगा के उसने रखा, जैसे कि प्रसंग भक्तमाल में सद्गुरु जी ने नामदेव का लिखा है कि ठाकुर की मूर्ति को विठल भगवान को दूध पिला दिया था। रोनाल्ड डिक्सन ने हलवा रखा और रिझाने लगा भगवान को, पहले आप खाओ फिर मैं ये प्रसाद में खाऊंगा। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, शिव जी के फिर सुदामा के तंदुले, प्रेम सहित तुम पाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया। जब भोग लगा लिया, गा लिया उसने, इतना तन्मय हो गया, जब पर्दा उघाड़ा उस हलवे की कटोरी में नन्हे नन्हे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने प्रसाद खाया। उसने फिर वो प्रसाद खाया, कहते हैं बहुत दिन तक रोता रहा था, आंख बंद थी उसकी, कुछ नहीं खाया पिया। लोगों ने उसकी समाधि खोली, उसको उठाया, फिर ध्यान आया भगवान को रोजाना रजाई, छोटी सी रजाई दूर आगे और फिर स्वयं बरंदे बरंडे में सो जाता था। एक रात सो रहा था, बार बार आवाज आती है, ओ दादा सो गए क्या? उसने उठकर देखा कोई नहीं है। फिर रात को फिर आवाज आ गई, जैसे कोई नन्ना सा बच्चा बहुत मधुर आवाज में बोल रहा है, दादा सो गए क्या? और फिर उठे तो कुछ नहीं था, अंदर मंदिर में गए तो देखा आज रिजाई उड़ानी भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को भूल गए और सामने बैठकर बहुत भाव से रोनाल्ड पूछने लगा, कहने लगा क्या आपको भी ठंड लगती है, सर्दी लगती है? ऐसा ही बोलना था, मूर्ति से प्रतिमा से आंसू झड़ने लगे, सब में आंसू गिरने लगे। रोनाल्ड ने चरण पकड़ लिए और कहते हैं इतना रोया था रोनाल्ड ने, वही चरण पकड़े पकड़े हमें अपने प्राण त्यागे। लोगों ने देखा तो निष्प्राण था और फिर उसका जाकर वृंदावन में ही द्योला घाट पर संस्कार कर दिया था। तो ऐसा जिसके अंदर भाव होता है, ऐसे रिझा लिया परमात्मा को कि पत्थर की प्रतिमाओं में आंसू आ गए और पत्थर की प्रतिमाएं प्रकट होकर किसी शरीरधारी को साक्षात अपने अंदर ले लेते हैं। कबीर बाबा गिरिदास जी ने एक वाणी में कबीर और मीरा को बराबर रख दिया। पारक के अंग में याचला के अंग में कई जगह प्रसंग आता है, एक प्रसंग आता है मीरा का,
ठहराई। ऊपर से तो माता कह रहा है पार्वती को, मन में क्या वासना है ये मेरी पत्नी बन जाए। माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे कुटिल जीव है, इस भाव से तपस्या कर रहा है। और वो भी कितने 12,000 वर्ष उल्टे लटक के सिर नीचे ऊपर पेट पे पैर बांध रखे है उसने भस्मासुर ने। फिर बाबा जी कहते हैं मेरे भस्म कड़ा भस्मासुर मा गया, तुम भिक्ष तुम दाता में भिक्षु बना गया, शिरोदार कड़ा पहराया, महादेव पे भस्मा धाया। अब कड़ा तो दे दिया, अब सोचा शिव जी को ये अजमा से दे लू इसमें शक्ति है या नहीं है। अब शिव जी भोलेनाथ बैठे थे, शिव के हाथ रखने के लिए भाग्या, शिव जी भगवान तो भागे, मेरे मैंने दिया और मेरे को ही भस्म करना चाह रहा। अपना तो सुन उठाया शिव जी भोलेनाथ आगे आगे और भस्म खड़ा लेके भस्मासुर पीछे पीछे। फिर माँ भगवान को याद किया है और फिर शिव जी तो आगे निकल गए, विष्णु भगवान मोहनी रूप लेके और उसके सामने प्रकट हो गए। भस्मासुर को मोह लिया और कहने लगे आपको नाचना सिखाऊं, कहने लगे हाँ, कहने लगे एक सिर पे रख ले, एक डूंगे पे रख ले, ऐसे नाचते हैं। और वो भूल गया दूर से हाथ में कड़ा पहना था ना, वो तो सिर पे रखवा दिया, इसलिए भगवान को क्या करते हैं छलिया, वो छल करके ही मारते हैं जो इस तरह के कुटिल लोग होते हैं। एक डूंगे पे रख दिया तो बाबा जी मार के लिखते हैं गिर करता गिरता रूप धारे भस्मासुर छलमा हो गए और शिव जी का पीछा छूटा। और फिर माँ भगवान हंसने लगे कि 12,000 वर्ष से पगले तेरे शिव जैसे सदगुरु मिले थे, तू पार हो सकता था और स्वयं ही 12,000 वर्ष करके भी तपस्या खराब कर दी, स्वयं भस्म हो गया। तो बाबा जी ने फिर वाणी में लिखा ग्रीव जय शिव से सदगुरु मिले तो पार उतारे हमसे, कर्म यारी देते हैं भस्मासुर भस्मंते। कि जैसे से सदगुरु मिले, ऐसे सदगुरु मिल जाते तेरे को समाधि लगाना सिखाते, पार उतारे हंस इस गोसागर से तेरे को पार उतार देते, तू परम हंस बन जाता। पर कर्म ने यारी देता, कर्म ने साथ नहीं दिया, यारी माने साथ देना। कर्म कब साथ देता है, जब कर्म अच्छा किया हो, और कर्म ही दुर्भावना से किया हो तो कहीं भी चले जाओगे कर्म साथ नहीं देता। कर्म ने यारी देता भस्मासुर भस्मंत, वो भस्म हो गए। तो ये भगवान ने प्रमाण लिखे हैं कि यद परोसी यद असनासी यद जुहोसी ददासी यद, ये तपस्सी बोलते हैं तद गुरु सुमत अर्पणम, ये सब मेरे अर्पण करके कर। अब इसके आगे एक बहुत बड़ा रहस्य इसी साधना का गरीबदास महाराज ने सुना दिया कि किस तरह से जल चढ़ाना, कैसे पुष्प चढ़ाना, कैसे कर्म करना, कैसा तप करना, वो सारा का सारा सदगुरु अंदर की साधना पर लेकर आ गए, मानसिक पूजा पर लेकर आ गए। एक बड़े बड़े अवधूत आते थे सदगुरु जी के पास और वो कहते थे आपके इष्ट कौन है, आपने कंठी माला धारण की, आप तो पुष्प नहीं चढ़ाते, आप जल नहीं चढ़ाते, आपकी पूजा क्या है, आप हवन क्या करते हैं, आप तप क्या करते हैं। तो सदगुरु जी ने वहां पर बहुत भीतर का गहरा रहस्य समझाया कि अब दो या विद सेवा कीजे ताते राम रसायन लीजे। किस विद सेवा करनी है, कैसे पूजा करनी भगवान की, जब आप फोटो रखते हैं चौका मारते हैं ना पोचा, अभी चौकी रखते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, धूप लगाते हैं। तो बाबा जी ने मानसिक पूजा बताई भीतर की कि प्रथम चित्त में चौका देवे प्रेम प्रीत परवाना, शील संतोष विवेक भाव धरे सुन ले आत्म ज्ञाना। बाबा जी कहने लगे अब तू मैं ऐसे सेवा करता हूँ, मेरी ये पूजा है इस आत्म ज्ञान को सुन ले, प्रथम चित्त में चौका देवे, जो चित्त है ना पहले तुम धरती में पोचा मारते हो ताकि साफ हो जाए। सदगुरु कहते हैं मैं पहले चित्त में पोचा मारता हूँ ताकि तरह तरह के जन्मों के संस्कार हट जाए, नील विचार हो जाए, कोई वासना ना रहे। प्रथम चित्त में चौका देवे प्रेम प्रीत परवाना, प्रेम से भाव से हृदय में निर्विचार हो गए, भाव पैदा हुआ, फिर हृदय में शील संतोष विवेक आया, ये मेरा आत्म ज्ञान है, यहाँ से पूजा शुरू होती है मेरी, यहाँ से मेरी तपस्या, यहाँ से मेरी साधना शुरू होती है। यो परमात्मा
फिर कहते हैं जीवे चिंतामणि चौकी पर्याने करे मानसी पूजा उर्मुखी आहुति देख देवे देखे और न दूजा। कहते हैं चिंतामणि होने वो परमात्मा है, फिर उसकी मैं मानसिक पूजा करता हूँ, उसमें आहुति देता हूँ उर्मुखी आहुति। आप यज कुंड में कैसे आहुति देते हैं? स्वाहा नीचे को है ना, कुंड नीचे हाथ भी नीचे आहुति भी नीचे गई। अरे बाबा जी कहते हैं उर्मुखी आहुति देवे यानी शब्द को नीचे से जगा के लाता हूँ, और शब्द जो है वो सदगुरु रूप है, और यही सदगुरु फिर पुष्प पर बैठ कर आते हैं, और फिर उर्मुखी मैं भाव से परमात्मा की आहुति देता हूँ अपने सारे मन सहित बुद्धि सहित प्राण सहित सब सदगुरु के आहुत कर देता हूँ। आहुति माने समर्पण करना, आहुत कर देना, झोंक देना, उसको आहुति कहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं मेरी आहुति नीचे की तरफ नहीं, उर्मुखी आहुति दे, मेरी आहुति ऊपर की तरफ है। फिर कौन से पुष्प चढ़ाता हूँ, कौन से जल हृदय भोग संदोग सूरत से सकल पदार्थ आने पंचग्नि पारायणता पे नीर शीर को छाने। कहते हैं फिर अंदर ही भोग तैयार होता भाव से, मैं परमात्मा को भोग चढ़ाता हूँ। आपको पता है एक बार एक ऐसे भक्त भी हुए हैं, वो मानसिक पूजा करते थे कि संत बैठे हैं और मैं उनको भोजन परोस रहा, पानी रख दिया, सब्जी परोस दी, पूरी रख दी, लड्डू रख दिए, दही रह गई। और जब हाथ में मानसिक पूजा कर रहा है, दही रखने जा रहा है, इतने में उसको आकर जगा दिया, क्या कर रहे हो? ठोकर मारी थी जिसके वो चाकरी करता था, उसके हाथ में से सचमुच में दही खट गई थी। और वो हैरान हो गए थे, मालिक ये दही कहां से आई, बता क्या बात है। और वो भक्त रोने लग गया गुलाल साहब, लेकिन क्या हो गया कि मैं मानसिक रूप से संतों की सेवा कर रहा था, सब परोस दिया, दही रह गई थी, और मानसिक सोचा था और सही रूप में कहां से वो दही आई, वहां से दही खिल गई थी। ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। अब बाबा जी के पास नौ योगेश्वर आए, अब वो 10 मूर्ति का भोजन था, लेकिन 88,000 ऋषि ये इतने सारे देवता आगे कहां से भोजन करवाया। सदगुरु ने मानसिक दृष्टि से और अपनी शक्ति से उसको प्रकट कर दिया था, और सबके सब भोजन करके चले गए। तो बाबा जी कहते हैं ध्यान भोग संजोग श्रुति से, श्रुति से ध्यान लगा उसी से मैं भोग लगाता हूँ। और पंचग्नि पारायण तापे, एक तो हम बाहर ढूंढने लगाते हैं तपस्या करते हैं, लेकिन अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आसन पे बैठ के इन पे मैं तपस्या करता हूँ। फिर कहते हैं सुरगसले मागव सुन में तासे पुरुष नहावे सहस कमल दल मान सरोवर तावा पुष्प चढ़ावे। ये असली पूजा लगी। सदगुरु कहते हैं सुरगसले मागव सुन में तासे पुरुष नहावे। आप मंदिर में जाते हैं शिवलिंग पर लोटा भर के जल का और उस पे डालते हैं है ना, नहाते हैं। शिवलिंग जो है ज्योति रूप, ये जो बाहर मंदिर है उनमें मूर्तियां रखी है, घंटे घंटारी बजाते हैं, आप ज्योत लगाते हैं, आरती करते हैं, शिवलिंग की जो स्थापना है ये अंदर की ही नकल की है हमारे संतों ने, अंदर भी नूर के गुंबज है, मंदिर है, उसमें ज्योति रूप परमात्मा है, और बिना बजाए अनहद नाद घंटे शंख बज रहे हैं, और वहां सुंदर सुगंध उठ रही है, और वहां पर अनेक दिव्य संत विराजमान है आत्म स्वरूपी। ये नकल अंदर की सारी बाहर करके दिखाई। सदगुरु कहते हैं अपने भीतर ही जो शून्य में पुरुष है उसको गंगा से नहलाता हूँ, यानी ध्यान में ये हमारा गंगा सुर है, ये जमुना सुर है, और जो इंगला पिंगला सुष्मा के द्वारा साधना करता है, कहते हैं भीतर जो पुरुष बैठा है मैं तो ध्यान की गंगा में हूँ, उस पुरुष को स्नान कराता हूँ, जल चढ़ाता हूँ मैं भी उसके, और पुष्प भी चढ़ाता हूँ। कैसा सहस कमल दल मान सनोवर तावा पोप चढ़ावे। कहते हैं सहस कमल दल ये है यहाँ पर, जब ये खिल जाता है यहाँ पूरे परमात्मा विराजमान है, मैं अपने सारा का सारा जो मेरा अस्तित्व था श्रुति नीति मन मौन प्राण था उस पे पोप बना के सब चढ़ा दिया, उस पर सहस कमल दल में उस पे पुष्प चढ़ा दिया। ये जो पुष्प वाली बात है ये मैं आपको बता नहीं सकती, जो साधना करेगा उसके साथ घटित होगी। बहुत सुंदर ये प्रसंग है अंदर का, और किसी पर सदगुरु नीच जाए तब जाके कभी कभी ये ध्यान में प्रमाणित होता है, ध्यान में दिखाई देता है, नहीं तो ये जिसके अंदर होता है वही जानता है इस चीज को कैसे सदगुरु।
पुष्ट पर बैठ के कैसे कैसे अंदर खेल दिखाते हैं, अंदर कहा है। तो फिर सदगुरु कहते हैं वहां कौन थे, बांधे हैं मुकुट चंद्र सिर ऊपर है, मन बैरागर चढ़िया, ज्ञान ध्यान संकल्प संगीत दर्द कमल नर खड़िया, करे आरती आनंद से तीर गुण गायत्री लापे, ज्ञान ध्यान संकल्प बिन ही रसना रटे राम को बिना था बना था पे, बिना बजाए बाजे बज रहे हैं और बिना जोत जलाए जोत जल रही है, और बिना हाथों के वहां पर कमंडल है, सुंदर मुकुट है परमात्मा का, और हाथ में बीणा है, तेज पूंज की झालर घंटा बीणा ताल बजावे, संग तुर मुरली मनमोहन इसमें नृत्य करावे। वो जो अद्भुत बैठा था ना, वो भगवान कृष्ण की पूजा करता था कि मेरे कृष्ण का ये आकार है, ये स्वरूप है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं बांधे तेज पूंज की झालर घंटा बीणा ताल बजावे, परमात्मा वहां तब बीणा बजा रहे थे, मुरली बजा रहे थे, संग तुर मुरली मनमोहन इसमें नृत्य करावे, इतने मुखों से मुरली बज रही थी, तुर ही बज रही थी, और इतने सुंदर ढंग से वो नृत्य कर रहे थे, यानी परमात्मा मेरे सहस्रार में नृत्य कर रहा था, झिलमिलाहट थी, प्रकाश ही प्रकाश था, उस गैर का चांदना मैं आपको बता नहीं सकता। तो परमात्मा उसको कह रहे हैं, जब भगवान कहो, मोहम्मद कहो, पीर कहो, पैगंबर कहो, ब्रह्मा विष्णु कहो या कृष्ण कहो, वो सारे के सारे रूप उस एक से ही अनेक होकर निकलते हैं, वही रहमान सबके अंदर समाया हुआ है। फिर अंत में सबको लिखते हैं, वे छाजन भोजन करे सकल विधे, अमर चीर पहरावे, गरीब दास कर पूजा ऐसे सदगुरु भेद बतावे। कहते हैं अमर चीर पहरावे, आप कोई फोटो मूर्ति रखते हो तो उसको वस्त्र पहनाते हो ना, रुमाला है वस्त्र है कुछ भी, सदगुरु कहते हैं अमर चीर पहनावे, मैं तो अपने ठाकुर को परमात्मा को अमर चीर पहनाता हूँ, वो चीर कभी मैले ना हो, कभी छीनना हो, कभी फटे ना, कभी बदल लेना पड़े, वो नूर की चीर पहनता है। गरीब दास कर ऐसे पूजा, बाबा जी कहते हैं ये पूजा कर तू आत्म पूजा, कौन बताएगा, सदगुरु भेद बतावे, ये कोई पूरा सदगुरु ये भेद बता सकता है कि अपने अंदर उस परमात्मा के सारे विधान को लेकर कैसे उसकी पूजा करनी है, कैसे साधना करनी है, कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे उसको अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। तो इसलिए बाबा जी कहते तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उनमें बंदगी कहां इंद्र का राज है, जिसके अंदर भक्ति है और ऐसे परमात्मा की पूजा करता है, बाहर भी करो यही पूजा आपके अंदर भाव पैदा करेगी, एक समय फिर ऐसा आएगा आप आत्म पूजा करेंगे, सुमरण करेंगे, चित को मैं चौका लगा के यहाँ पर परमात्मा विराजमान होंगे, उसको ही अमर चीर पहनाओगे, उसको ही गंग से नहलाओगे और उसको ही उद्रुखी आहुति